आज की मूवी का सच। जी हाँ, मैं एनिमल मूवी की बात कर रही हूँ कि एनिमल मूवी का सच क्या है। अब आप सोच रहे होंगे एनिमल मूवी किसी जानवर की मूवी है। जी नहीं, मैं उस एनिमल मूवी की बात कर रही हूँ जिसमें रणबीर कपूर है। आप लोगों ने शायद बहुतों ने ये मूवी देखी भी होगी, और जिसने नहीं देखी होगी वो इस वीडियो को सुनने के बाद ज़रूर देखेगा और सोचेगा कि मैं ये सच कह रही हूँ या झूठ कह रही हूँ। इस मूवी को मैंने भी देखा। इस मूवी को देखकर मुझे ये लगा कि क्या सोच के आज का बॉलीवुड मूवीज़ को बनाता है। इस मूवी में ये दर्शाया गया है कि एक लड़का अपने पापा का प्यार पाने के लिए इतना पागल हो जाता है कि वो हर हद पार कर देता है, खून खराबा कर देता है, एक आतंक फैला देता है। आप सभी जानते हैं कि जितने भी एक्ट्रेस एक्टर एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं उनके लाखों करोड़ों में फैंस होते हैं, और कुछ फैंस उनके लिए इतने पागल होते हैं कि वो उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, एक आइडल मानते हैं। आइडल मानने का मतलब आप समझते ही होंगे। आइडल मानने का मतलब होता है कि उस इंसान से इतना प्रेरित होना कि वो इंसान जो अपनी ज़िंदगी में कर रहा है उसी को अपनाना। जैसे कि आप जानते ही हैं, आप सबके घर में छोटे बच्चे होंगे। एक छोटा बच्चा अपने आसपास का माहौल देख के बड़ा होता है, और उसी माहौल को, उसी एनवायरनमेंट को वो अपने अंदर उतारता है, और वैसे ही वो रिएक्ट करता है, वैसे ही बातचीत करता है, वैसे ही ये फैंस भी होते हैं। अब सोचिए कि रणबीर कपूर का ऐसा रोल देखकर कितनों ने अपनी ज़िंदगी में बदलाव करे होंगे। हम कोशिश करते हैं कि हम जिसको अपना रोल मॉडल मानते हैं हम उसकी तरह बन जाए। अगर ये जाना माना कलाकार जिसको पता है कि वो बहुतों के लिए रोल मॉडल है, सोचिए क्या असर होगा आज की जनरेशन पर। हम जब कोई इमोशनल मूवी देखते हैं तो हम इमोशनल हो जाते हैं, कोई मोटिवेशनल मूवी देखते हैं तो हम मोटिवेशन हो जाते हैं। पता नहीं इस मूवी को देखकर कितनों की साइकोलॉजी पे असर हुआ होगा। अब आप सोच ही सकते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि ऐसी मूवीज़ बननी ही नहीं चाहिए जिससे आज की यूथ पे नेगेटिव असर हो। बहुत सारी स्टोरीज़ होती है मूवी बनने की, अब कि सिर्फ एक पब्लिसिटी के लिए और सिर्फ इसलिए पैसे कमाने के लिए इतनी बेकार मूवी को बनाना जिससे आज के यूथ पे इतना ख़तरनाक असर हो। मेरे हिसाब से ऐसी मूवीज़ नहीं बननी चाहिए, और अगर बन भी रही है तो ट्रेलर हम सब पे पहले ही पहुंच जाते हैं। हमें ट्रेलर को देखकर ही अंदाज़ा लगा देना चाहिए कि मूवी हमें देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। धन्यवाद।